हाय दोस्तों, YouTube चैनल पे पंकज सोरेन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक कार्य और समय है, तो इसमें देखेंगे। अक्सर ये प्रश्न आता है, जैसे व्यक्ति दे दिया घंटा दिन, फिर दूसरे स्थिति में व्यक्ति घंटा दिन से तुलना करता है। दिया है 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि फार्मूला है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहाँ पे सुविधा के लिए ये सब सिंबल बताए गए हैं। यहाँ फार्म है, डी डे हो गया, एच आवर, डब्ल्यू कार्य हो गया, डब्ल्यू फॉर वर्क। दूसरी स्थिति में यम टू मैं, दूसरी स्थिति में दिन, दूसरी स्थिति में आवर माने घंटा, दूसरी स्थिति में और डब्ल्यू कार्य, दूसरी स्थिति। तो चलिए रखते हैं, 3 व्यक्ति हैं, यम फॉर, यहाँ 3 हो गया। प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में, तो 12 दिन में 8 घंटा काम, कार्य वही है। दूसरी स्थिति में 8 व्यक्ति हैं, 9 घंटा कार्य करते हैं, 9 घंटा कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में, तो दिन को एक्स मान लेते हैं, 9 घंटा हो गया। कार्य चूंकि वही है इसलिए W1 की जगह पर भी 1 रख दीजिए, W2 की जगह पर भी 1 रख दीजिए, क्योंकि कार्य वही है, कार्य में बदलाव नहीं है। अब देखेंगे, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, कैंसिल कर दीजिए, तो 9 से x में गुणा 9x बराबर 12, 3 गुणे 12 x बराबर 12 3 36 बटा 9, 36 बटा 9 का 9 चौक 36, तो कितना आ गया 4 दिन। तो वह कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। इस चीज को आप शक्तियां बैठा लेना, और इसमें जो बेसिक स्तर है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं, उन्हीं 3 प्रकार के सवालों पर चर्चा होगी। जैसे जैसे कठिनाई का स्तर बढ़ेगा आपको और सवाल मिलेंगे, तो अभी आप जो है इस टाइप का सवाल पा गए हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे, ऐसे देखिए, कोई भी काम जितने दिन में पूरा होता है, एक दिन में उसका, जैसे मान लीजिए एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में वह कार्य करेगा, एक दिन में कृत कार्य किसके द्वारा, ए के द्वारा, वह हो जाएगा 1/15। इसी तरह से बी के द्वारा एक दिन में कृत कार्य हो जाएगा 1/60। ये एक दिन के कार्य की स्थिति है, फिर दोनों को मिलाना है, तो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/15 प्लस 1/60। अगर हम इसको हल कर लें, 60 15 का लॉस आपको पता है 60 आएगा, 60 में आप 15 से भाग दे दीजिए, 15 चौके 60 और 4 1 4 और 7 से 60 कट जाएगा, 1 1 4 1 5 5/60, 5 1 5 12 25 60, 1/12, मतलब एक दिन में 1/12 भाग करेंगे, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, पलट दीजिए उसी को, 1/12 को पलटेंगे तो 12/1 आ जाएगा, मतलब 12 दिन में ये पूरा काम कर गुजरेंगे। ये रहा अपना उत्तर, दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ऐसे प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक दिन का हिस्सा जब भी निकालना हो तो पूरे को ऋणात्मक रूप में कर दीजिए। 15 दिन है तो एक दिन में 1/15, 60 था तो एक दिन में 1/60, दोनों को मिला दिया, उसके बाद उसको भिन्न के रूप में चेंज कर दिया।
दिया गया है यदि 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इसमें देखेंगे एक जगह या लगा है और एक जगह और लगा हुआ है। इन दोनों शब्दों को जब तक आप नहीं समझेंगे काम नहीं होगा। 8 पुरुष या 24 महिला का मतलब हुआ चाहे 8 पुरुष हो या 24 महिलाएं हो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 8 पुरुष बराबर 24 महिला के, तो एक पुरुष बराबर 8 3 24, 24/8 हो जाएगा, एक पुरुष बराबर 3 महिला। 16 दिन में काम करते हैं तो यहां पर दिन जो है D1 वह 16 हो गया, और दूसरी स्थिति पहले देख लेते हैं तो उसी के हिसाब से चेंज करते हैं। 4 पुरुष और 10 महिला, तो जब 4 पुरुष और 10 महिला, तो 4 पुरुष और 10 महिला, तो 4 पुरुष को महिला मत लो, जब एक पुरुष 3 महिला के बराबर है तो 4 पुरुष बराबर हो जाएगा 4 × 12 महिला, 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 12 और 10 ये हो गया, मतलब टोटल हो गया 12 10 22, 22 महिला। यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं कितनी हैं 24, यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं कितनी हो गई 22, यहाँ पर समय कितना लगा 16 दिन, और यहाँ पर कितने दिन में पूरा कर लेंगे D2 आपसे पूछ रहा है। D2 बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला आपको बताया गया था M1 D1 upon W1 बराबर M2 D2 upon W2, क्योंकि इसमें कार्य सेम है तो डब्लू M1 के जगह पर हमने रख दिया 24, D1 के जगह पर रखा 16, कार्य सेम है, M2 के जगह पर 22, D2 के जगह पर निकालना ही है, कार्य सेम है, तो D2 बराबर 24 × 16/12, किसी को हल कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 × 8 16, ये कट गया हो गया 11, 8 × 4 32, 2 × 8 16 16 × 19 11। तो अब देखिए अपना विकल्प तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, अब इन दोनों में से कौन होगा तत्काल पता कर लेते हैं। 192 में आप 11 से भाग गए, 11 × 8 19 82 11 से 77, 77 582, क्लियर हो गया, साइड वाला आपने लिख दिया 17 सही, उसके बाद 11 है ही, शेष फल ऊपर जाता है, इतना तो आप करना जानते ही हैं, भागफल यहाँ शेष फल ऊपर जिसको जो भाजक है उसको नीचे रखते हैं, अपना हो गया 17 सही 5/11, अर्थात अपना जो विकल्प है 4 वही सही है। तो एक प्रश्न बहुत ही रुचिकर प्रश्न था और प्रतियोगी परीक्षा के हित में है, इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, और आप इस टाइप के सवाल अगर पाते हैं तो जरा सा भी चूक नहीं करेंगे, देखेंगे। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति, हमने कितना लिए 5 दिन, अब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 10 दिन में काम पूरा करने, तो आपके पास वही फार्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2, अगर कार्य समान हो तो W1 या W2 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैन कितने हैं M1 8 हो गए, कितना दिन लिए 5 दिन, दूसरी स्थिति में हमको M2 निकालना है, कितना दिन में करवाना है 10 दिन में, तो M2 बराबर 8 × 40/10, 10 जो
चार व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब चार ही रहेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। आठ जो है 5 दिन ले रहे हैं, अगर चार रहेंगे तो 10 दिन में ले जाकर के उस काम को खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न अपना है, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। अब इसमें देखिए 20 व्यक्ति, तो यमुन जो है वह 20 है, यजवान 4 घंटा, और जो पेड़ काटने का मतलब जो कार्य है W1 = 30 है। सेकंड कंडीशन में चलिए, ये 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं। कुछ लोग यही कंफ्यूज होते हैं, 20 से भी 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, कितने बचे? 20 में से 4 माइनस कर लीजिए, 16 हो गया। तो 6 घंटे, H2 = 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, मतलब कार्य W2 = 1। तो अपना फार्मूला M1H1 / W1 / M2H2 / W2 कर दीजिए। M1 हो गया 20 × 4/30 = M2 हो गया 16 × 6/W2। अब W2 निकालना है, तो W2 को इधर ले आइए, यहाँ आ गया, 30 चला जाएगा इसके पास, 16 × 6 × 30, फिर ये गुणा हो रहा है और 20 × 4 नीचे चला। अब 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 4, 5 × 5 = 20, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30 और 6 से 6 में गुणा करेंगे, 6 × 6 = 36। इतना पेड़ काटेंगे गणितीय रूप में 36 पेड़, एकदम चौथा विकल्प अपना सही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक आधार बना करके सूत्र का, और हम रख दे रहे हैं, बहुत ही आसान से आ रहा है, नहीं तो उस तरह से सब्जेक्टिव रूप में काफी विस्तार पूर्वक करेंगे तो काफी दिक्कत होगी। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी और आप जो है इन प्रश्नों के बेस पर अपना अभ्यास करते रहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।